नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अतिवृष्टि से खराब फसलों को मिले मुआवजा, कपास, मिर्च, सोयाबीन, मक्का की समर्थन मूल्य से कम में न हो खरीदी, जैसी मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। महासंघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने टीआईटी कॉम्प्लेक्स परिसर में टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। महासंघ के सीताराम इंगला, किशोर पाटीदार आदि ने बताया, वर्तमान में अतिवृष्टि से खेतों में लहला रही फसल चौपट हो गई है। किसानों की खरीफ फसल से लगी सारी आस टूट गई है और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हमारी मांग है निमाड़ दुग्ध संघ का गठन किया जाए, अधूरी उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं जल्द ही पूरी की जाए, इन योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बचाना चाहती है तो गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देकर देसी गोवंश का दूध 200 रुपये प्रति लीटर किया जाए। 90% हिंदू समाज खेती करना, इसलिए वायु स्वरूप अन्न एवं गौ माता का संरक्षण किया जाए। ग्राम स्वराज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माननीय किसान की विभिन्न समस्याओं को अवगत कराने बाबत में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला खरगोन द्वारा आपको अवगत कराया जाता है कि देश के किसानों को ऋण मुक्त किया जावे। किसानों का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार के उपलक्ष्य में गांधी जी का सपना था कि भाई ग्राम स्वराज, गांव आगे आए, किसान आगे आए, लेकिन सरकारों की ऐसी मानसिकता नहीं है कि गांव आगे बढ़े और गांव का किसान आगे बढ़े। ऐसी नीतियां बनाई गई सरकारों ने कि किसानों से लूट मचा रहे हैं, सभी किसानों की फसलों को भाव नहीं देना, MSP पे भी माल नहीं बिकना, इस वजह से किसान लूटा जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने गांधी जी का सपने को साकार करते हुए ये मांगे सरकार के सामने रखी है कि C2+50 लागू करे और किसानों का ऋण माफ करे। ये किसानों की मुख्य मांगे हैं जिससे गांव और किसान आगे आएंगे। क्या नाम लिखा? कैलाश पाटीदार, प्रांत उपाध्यक्ष। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एक दिवसीय धरना देकर शासन को जगाने का काम किया है। हमने शासन से मांग करते हैं कि जो भी CCI सूत मिल शासकीय खरीदी होती है, अगर संपूर्ण किसानों का माल NKN कारण से निसटने की कोशिश करती है, निकलने की कोशिश करती है कि नमी वगैरह बता के, तो हम इसे अब पचा नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग माल किसान से खरीदने के बाद भी पानी डाल के गठाने बनाते हैं और जब किसान से खरीदने की बारी आती है तो उसे नमी बताकर निकलने का काम करते हैं। अगर CCI और सूत मिल ने संपूर्ण किसानों का माल नहीं खरीदा तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ समस्त मंडियों को चलने नहीं देगा और ताला लगाने का काम करेगा। और भी समस्याएं सराज मंडी, खरवन मंडी सबकी है, और भी समस्याएं बहुत सी है किसानों की, क्योंकि जो भी समस्या होती है उसके लिए तत्पर लड़ता रहता राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। क्या नाम लिखा? सीताराम जी इंगला, जिला महामंत्री। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।